फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ टोस्ट से केक। तो देख लेते हैं उसके लिए हमने क्या क्या लिया है। तो ये टोस्ट है, लेकिन ये टोस्ट कम है। मैंने 20 से 25 टोस्ट लिया है और उसके मैंने पाउडर बना लिए हैं। कटोरी से मेजर करके बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 2 कटोरी मैंने टोस्ट के पाउडर ले लिए हैं, क्योंकि टोस्ट क्या होता है कि टोस्ट कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है साइज में, तो इसलिए कटोरी से नाप के बनाने में ही सही रहता है। तो मैंने पहले से ही पाउडर बना लिया है उसका, और ये मिक्सर में पीस लिया है। बहुत आसानी से पीस जाता है, बारीक हो जाता है। तो इससे 2 कटोरी हमें चाहिए केक बनाने के लिए। मैंने इसी कटोरी से नाप लिया है और नाप के मैं बनाऊँगी। 2 कटोरी चाहिए मुझे टोस्ट के पाउडर और चीनी अपने स्वाद के हिसाब से। तो मैंने 2 चम्मच चीनी लिया है, ये चीनी रवा है, पाउडर भी ले सकते हैं चीनी का। और यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है फ्लेवर अच्छा आने के लिए, क्योंकि एसेंस मेरे पास नहीं है केक में डालने के लिए, तो कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा उसमें। और उसको उसमें मिलाने के लिए मैंने कुछ ऑयल भी लगेंगे 1 चम्मच। मैंने टूटी फ्रूटी भी लिया है केक को सजाने के लिए, और मुझे रूम टेम्परेचर वाला दूध चाहिए। तो अब क्या करते हैं, केक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और इसमें ये डाल लेते हैं पाउडर। और चीनी भी डाल लेंगे इसमें, और इनो भी चाहिए, 1 पैकेट इनो चाहिए, इनो का पैकेट भी लगेगा। कस्टर्ड पाउडर को घोल लेते हैं, दूध से ही घोलेंगे। थोड़ा सा घोल लेंगे, मैंने घोल लिया है। इसमें और दूध डाल लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं ताकि जो चीनी रवा है इसमें बराबर मिल जाए, तो गुठलियाँ नहीं पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के। दूध की जगह आप पानी भी डाल सकते हैं इसमें। दो कटोरी लगभग दूध डाला है, मुझे दूध और चाहिए अभी इसमें। तीन कटोरी उससे मैंने दूध इसमें डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तीन कटोरी मैंने दूध इससे डाल चुकी हूँ और अभी और मुझे चाहिए। बैटर को बहुत पतला नहीं बनाएंगे, इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा और चाहिए मुझे दूध। इस कटोरी से मैंने 3.5 कटोरी दूध इसमें
डाला है। जिस कटोरी से मैंने टोस्ट का पाउडर बना के लिया था उसी कटोरी से 3 कटोरी दूध इसमें लगेगा। तो अब क्या करते हैं, इसमें ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल डाल लेते हैं, लगभग 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसे ही चाहिए केक के लिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वरना बेक करने में बहुत समय लग जाता है। इसमें थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी डाल देते हैं, थोड़ा सा रखेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। इसमें मिला लेते हैं। और अब क्या करते हैं, इनो लास्ट में डालेंगे जब पूरी तैयारी कर लेंगे तब। तो इसके लिए गैस को ऑन कर लेते हैं। और एक बड़ा भगोना मैंने रख दिया है और इसमें नमक मैंने बिछा दिया है, नमक इसमें मैंने बिछा दिया है। साथ ही एक कटोरी भी रखेंगे या स्टैंड रखेंगे और इसे गर्म होने देते हैं, प्रीहीट होने देते हैं इसे। तब तक क्या करते हैं कि हम ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। तो इसमें ऑयल डालते हैं। पूरे चारों ओर हाथ से चाहे ब्रश से आप अच्छी तरह से लगा दीजिए। ऊपर तक लगा देंगे। कागज लगा देंगे, बटर पेपर नहीं है, बटर पेपर हो आपके पास तो उसे लगाइए। मैं कागज़ लगा रही हूँ। और फिर इसको क्या करते हैं, फिर इसे भी ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अच्छी तरह से सेट हो जाएगा कागज उसमें। और अब क्या करते हैं कि इसमें इनो मिला लेते हैं। डाल लेते हैं इसमें, एक पाउच में लगेगा। और इसे मिक्स कर लेंगे। इनो मिलाने के तुरंत इसे उसी बर्तन में डालेंगे जिसमें हमें केक बनाना है। सारा इसमें गिरा लेते हैं बैटर को। शेक कर लेते हैं। गर्म हो चुका है, जिस बर्तन में मैं केक को बेक करूंगी ये गर्म हो चुका है। अब इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। बर्तन थोड़ा मेरा बड़ा है, इसमें सावधानी के साथ इसमें रख देंगे और इसे अब ढक देते हैं। और तकरीबन आधा घंटा के बाद हम इसे चेक करेंगे, 20 मिनट आधा घंटा के बाद इसे देख लेंगे हम। इसे ढकने के बाद क्या करते हैं कि गैस के फ्लेम को लो करेंगे, लो कर लेते हैं। और लो फ्लेम पे ही इसको तकरीबन आधा घंटा बाद चेक करेंगे हम इसे, आधा घंटा 20 मिनट बाद हम ज़रूर देख लेंगे एक बार। बीच में वैसे एक घंटे का समय लगता है इसमें, 45 से 1 मिनट केक बनाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो घड़ी से देख लेंगे कि हम किस समय, जिस समय हम इसके अंदर बेक करने के लिए केक रखेंगे
उस समय हम घड़ी चेक कर लेंगे कि उस समय कितना टाइम हो रहा है, उसी हिसाब से हम एक घंटे के लिए इसको बेक करेंगे। उससे पहले बीच में एक बार ज़रूर हम देखेंगे, 15 मिनट में या 20 मिनट में या आधा घंटा में एक बार ज़रूर इसे चेक करेंगे। 15 मिनट हो रहा है तो देख लेते हैं, 15 मिनट बाद चेक कर रहे हैं। तो ये मेरा ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी कि केक जो है वो फूल रहा है। तो अब इसी समय हम ये टूटी फ्रूटी इसमें डाल देते हैं। पहले मैंने इसलिए नहीं ऊपर डाला क्योंकि केक जैसे जैसे ऊपर आता है, हमारी जो टूटी फ्रूटी है या ड्राई फ्रूट है जो भी हम डाले रहते हैं ऊपर से, वो अंदर चला जाता है, फिर केक बनने के बाद दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं 15 मिनट बाद इसमें डाल रही हूँ और अब ढक देंगे इसको डालने के बाद फिर से, और लगभग आधा घंटा बाद फिर चेक करेंगे इसे। देख लेते हैं इसे चाकू डाल के, तो एकदम साफ है। क्या करते हैं कि गैस को ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। मेरे केक ठंडे हो चुके हैं, मैंने निकाल लिया है उसमें से, और इसको आप क्या करते हैं, साइड से भी मेरा लगभग छोड़ दिया है, देख सकते हैं आप, साइड छोड़ दिया, फिर भी चाकू से ऐसे चला लेते हैं और इसे निकाल के दिखाते हैं। आसानी से निकल आया है हमारा केक, जो मैंने लगाए थे ना कागज के, इसे हटा देते हैं। ये देखिए ऊपर से ही देखने में जालीदार स्पंजी लग रहा है, ये जो जालीदार है जिसको क्या करते, किसी दूसरे प्लेट में करते हैं तब सीधा होगा। ये देखिए मेरा केक बन के तैयार है, पूरा जालीदार, ये देखिए पूरा जालीदार है, पूरा इसका टेक्सचर देख के ही लग रहा है कि कितना सॉफ्ट हुआ है और जालीदार है। इसे काट के भी देखते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया, बहुत स्पंजी भी है। इसी तरह से आप भी बनाइए, बहुत बनाना आसान है। मैंने टोस्ट से ही बनाया है इसे, शुरुआत में मैंने बताया भी था आपको, टोस्ट जितना हम लेंगे यानी जितना कटोरी या कप से टोस्ट हमें चाहिए, उसी कटोरी से हमें 3-3.5 कप दूध लगेंगे इसमें, उसको बैटर तैयार करने के लिए। तो ये सही से बन के तैयार होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।